शुरु परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रिय खुर्शीद मोहम्मदी जी, अनवार साहब, स्वामी जी और मंच पर बैठे अन्य आदरणीय व मिर्जापुर के प्यारे भाइयों, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ जो आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। इस्लाम को लेकर पहले मैं बहुत भ्रमित था। कक्षा 8 तक इतिहास में कुछ गलत इतिहास पढ़ा, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया कानपुर से, एक सब्जी मंडी मोहल्ले में रहने लगा तो एक कुछ टेंशन हुआ, आपसी तनाव। उसमें पहली बार मैंने नारा सुना, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। मुझे लगा, चूंकि तनाव था दोनों तरफ, मुझे लगा ये लड़ाई शुरू करने वाला नारा है। नारे तकबीर का मतलब मैं समझा लड़ाई शुरू करने वाला नारा, मैं उसका मतलब नहीं जानता था, अपने हिसाब से मैंने समझा। कुछ दिन रहने के बाद उधर आता जाता था तो कुछ जैसे जलसे होते थे, तकरीर होती थी, तो तकरीर में अक्सर नारा लगता था, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। मेरे जहन में आता था ये भी हर समय लड़ाई के लिए लोग ताल ठोकते रहते हैं, भैया बड़े लड़ाके हैं लोग। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसका अर्थ है अल्लाह ही सबसे बड़ा है। अभी जो मैंने ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं का ये मंत्र पढ़ा, ये मंत्र अल्लाहु अकबर में समाया हुआ है। इतना बड़ा मंत्र दो शब्दों में समाया हुआ है, ये अल्लाहु अकबर की महानता है। इसके बाद जैसा कि आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में इस्लाम को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही, इस्लाम को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, इस सब को सुनने और पढ़ने के बाद इस्लाम को लेकर मेरे मन में गलत धारणा बनी। इसी गलत धारणा से अज्ञानतावश मैंने एक किताब लिखी, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, जिसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ, मुंबई से प्रकाशित हुआ, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। लेकिन बाद में कुछ कारणों से मुझे लगा कि कहीं इस्लाम को लेकर मेरा यह सोच गलत तो नहीं है, इसलिए मैंने दोबारा फिर से कुरान मजीद पढ़ी। पहले जब मैंने कुरान मजीद पढ़ी, कुरान मजीद का हिंदी अनुवाद, तो मेरा तन शुद्ध था लेकिन मन शुद्ध नहीं था, क्योंकि मैं उस कुरान मजीद में आतंकवाद ढूंढ रहा था कि आतंकवाद कहाँ कहाँ है, इसलिए मेरा मन शुद्ध नहीं था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, इसलिए मुझे उसमें आतंकवाद दिखाई दिया, उसमें अच्छाइयां मुझे नहीं दिखाई दी, क्योंकि मैं अच्छाइयां देखने नहीं चाहता था। लेकिन बाद में जब मैंने तन और मन दोनों की शुद्धता के साथ कुरान मजीद पढ़ी, तो मुझे कुरान मजीद का वास्तविक अर्थ समझ में आया। ईश्वरी पुस्तकों की, ईश्वरी किताबों की विशेषता होती है, उनका सही मतलब और मकसद समझने के लिए तन भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो। अगर मन शुद्ध नहीं हुआ तो आप नहीं समझ सकते। तो इस वास्तविक इस्लाम को जानने के बाद मेरी विचारधारा ही बदल गई, सोच ही बदल गया। पहले मैं सोचता था कि इस्लाम अरब से आया, विधर्मियों का धर्म है जो हिंदुओं का विरोधी है। लेकिन जब मैंने वास्तविक इस्लाम को जाना तो मुझे पता चला इस्लाम अरब से नहीं आया, इस्लाम परमेश्वर की ओर से आया हुआ धर्म है, जो केवल मुसलमानों के लिए या केवल अरब वालों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए आया। और यह हिंदुओं का विरोधी भी नहीं है, क्योंकि इस्लाम किसी व्यक्ति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय का विरोध नहीं करता। इस्लाम केवल बुराइयों का विरोध करता है, उन बुराइयों में सबसे ज्यादा जो बुराई है वो है शिर्क, अनेक ईश्वरवाद, अनेक ईश्वर की पूजा करना,
ये जो शिर्क है ये सबसे बड़ी बुराई है जिसको इस्लाम मानता है। लेकिन इस बुराई के लिए ऐसा नहीं है कि मुसलमान डंडा लेके निकल जाएगी, जो जो शिर्क करेगा उसको आज हम डंडा से मारेंगे, ये नहीं इस्लाम में। इस्लाम में यह विरोध सैद्धांतिक है, इसके लिए जोर जबरदस्ती मना है। कुरान मजीद के सूरा 2 आयत 256 में है, धर्म इस्लाम में जबरदस्ती नहीं। सूरा 109 आयत 6 में है, तुम अपने दीन पर हम अपने दीन पर, यह इस्लाम। इसके अलावा मैंने देखा कि यह विदर्भियों का धर्म भी नहीं है, क्योंकि यह वह सत्य है जो हजारों साल से हमारे वेद उपनिषद और गीता में मौजूद है। इसमें अपनापन है, यह विधर्मियों का धर्म नहीं, यह भी मुझे मालूम हुआ। इस वास्तविक इस्लाम की जानकारी लेते समय मुझे इसमें क्या अपनापन दिखाई दिया, यह मुख्य विषय है। जब मैंने कुरान मजीद पढ़ी तो शुरुआत हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू परमेश्वर का नाम लेकर जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही मुझे ओम शब्द याद आया। ओम का शाब्दिक अर्थ है परम कल्याणकारी परमेश्वर, यानी बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु परमेश्वर। ओम जब किसी मंत्र की शुरुआत में या किसी विषय की शुरुआत में जब ओम लगा दिया जाता है तो ओम का एक वाक्य ओम बन जाता है, उसका अर्थ हो जाता है शुरू परम कल्याणकारी परमेश्वर के नाम से। उसका यह अर्थ हो जाता है शुरू परम कल्याणकारी परमेश्वर के नाम से, या शुरू परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। यही तो है ला इलाह, यही तो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद मैंने आगे देखा पहली सूरा, सूरा फातिहा। सूरा फातिहा पढ़ते ही मैं चौंक गया, यह तो बिल्कुल गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। शुरू परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है, सारे संसार के स्वामी व पालनकर्ता, प्रकाशकों के प्रकाशक, परमेश्वर के पाप नाशक अनंत तेज की हम वंदना करते हैं। वो परमेश्वर हमारी बुद्धि और कार्यों को उत्तम प्रेरणा दे, अर्थात हमको सच्ची राह दिखाए, गुमराही से बचाए। अब देखिए सूरा फातिहा, अपने हिंदू भाइयों को बताना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर तरह की बड़ाई परमेश्वर ही के लिए है जो सारे संसार का स्वामी व पालन करता है। अर्रहमानिर्रहीम, बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु। मालिक यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का हाकिम। इयाक नअबुद व इयाक नस्तईन, हे परमेश्वर हम तेरी ही वंदना करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लजीन अनअमत अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जो तेरे कृपा पात्र हुए। गैरिल मगजूब अलहिम वलद्दालीन, जो न तेरे क्रोध के भागी हुए और न पथभ्रष्ट यानी गुमराह। लगभग दोनों का भावार्थ एक ही है। यह है सूरा फातिहा। सूरा फातिहा पढ़ने के बाद अपने आप एक परमेश्वर के प्रति मन श्रद्धा से भर जाता है, आंख में आंसू ऐसे आ जाते हैं। यह है कुरान मजीद की सूरा फातिहा का प्रभाव। मैं अपने व्याख्यान के अंत में बोलता हूं ओम शांति ही शांति ही शांति। कानपुर में एक जगह मुझसे पूछा, स्वामी जी
आपने तो शुरू से आखिर तक तौहीद की बात की, अंत में शिर्क कर गए। मैंने कहा मैंने कोई शिर्क नहीं किया। वास्तव में ओम शांति ही शांति शांति का आप अर्थ नहीं जानते। ओम शांति 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 का मतलब है परमेश्वर हम सब के दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के कष्टों को दूर करे। ये एक दुआ है। हमारे उलेमा जब भाषण देते हैं, जब व्याख्यान देते हैं, तकरीर करते हैं, तो आखिर में दुआ पढ़ते हैं। ये दुआ है जो परमेश्वर से अल्लाह से की जाती है। इसी तरीके से इस्लाम की बुनियाद है ला इलाह इल्लल्लाह। परमेश्वर के अलावा कोई पूज्य नहीं, अल्लाह के अलावा कोई पूज्य नहीं है। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, हजारों साल पुराना है, ऋग्वेद के मंडल एक सूक्त सात का दसवां मंत्र है इंद्रम वो विश्व तस्मरी हवा महे जनेभ्यः अस्माकम् अस्तु केवलः। ऐ मनुष्यो तुमको अत्यंत उचित है, जब ध्यान दीजिएगा, ऐ मनुष्यो तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ परमेश्वर को छोड़कर उपासना करने योग्य किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि एक मुझको छोड़कर दूसरा ईश्वर नहीं है। इसका संक्षेप हुआ परमेश्वर के अलावा कोई पूज्य नहीं है, यही है ला इलाह इल्लल्लाह। मतलब वेद का यह मंत्र ला इलाह इल्लल्लाह है और ला इलाह इल्लल्लाह वेद का मंत्र है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय सात श्लोक सात में है मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। ऐ अर्जुन मुझ एक को छोड़कर दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। यह परमेश्वर का संदेश है श्रीमद् भगवद गीता में भी। इस्लाम जैसे एक अजन्मा अविनाशी निराकार सर्व शक्तिमान परमेश्वर की उपासना के लिए कहता है, अवतार को नहीं मानता, ठीक उसी तरीके से वेद में है। वेद भी एक अजन्मा अविनाशी निराकार सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना के लिए कहते हैं और अवतार या मूर्ति उसमें नहीं है। श्वेता श्वेतर उपनिषद खंड 6 श्लोक 8 में है न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत् समस्चाभ्यतिकश्च दृश्यते। उस परमेश्वर के शरीर और इंद्रियां नहीं है, अर्थात वो निराकार है। न तत् समस्चाभ्यतिकश्च दृश्यते, उसके समान अथवा उससे बढ़कर भी कोई दिखाई नहीं देता। मैं यहां बता दूं कि ये मैं सुना क्यों रहा हूं। जब मैंने कुरान मजीद के ये को पढ़ने के बाद और तमाम सारी भ्रमित होने वाली चीजों को पढ़ने के बाद जब मैंने किताब लिखी और मुझे वास्तविकता का आभास हुआ, तो अपनी पहली किताब का खंडन करने के लिए और प्रायश्चित करने के लिए तथा सत्य को जनता के सामने लाने के लिए मैंने एक दूसरी किताब लिखी ईश्वर की प्रेरणा से, इस्लाम आतंक या आदर्श। ये वो पुस्तक है, इसका हिंदी और उर्दू अनुवाद भी हो रहा है। तो ये पुस्तक मैंने इसलिए भी लिखी कि इस देश में हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते हैं। अगर हम एक दूसरे के धर्म को एक दूसरे के विचारों को नहीं जानेंगे तो समाज विरोधी तत्व इंसानियत विरोधी तत्व हमारे और आपके बीच आसानी से भ्रम और संदेह पैदा कर देंगे, तरह तरह की बातें उड़ाएंगे। तो इसलिए यह जानना जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज मैं मुसलमान भाइयों को बता दूं कि यह एक हिकमत है, इससे भ्रम और संदेह दूर होगा, विश्वास आएगा, तौहीद के प्लेटफॉर्म पर एक एक एकता की बात, एक साथ बैठने की बात बनेगी और हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक नया रास्ता भविष्य में खुलेगा। यह एक हिकमत है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत का उपयोग किया, वैसे ही एक हिकमत। तो
इसलिए मैं ये चीजें सुना रहा हूं, ये चीजें दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों को समझना जरूरी है। केनोपनिषद खंड एक श्लोक छह में है, यच्चक्षुषा न पश्यति एन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नैदम यदुदम पासते। उस परमेश्वर को कोई इन आंखों से नहीं देख सकता, बल्कि आंखें उसकी सहायता से देखती हैं। उसी को तू अल्लाह यानी परमेश्वर जान, और जिस इस अलग अलग ईश्वर की उपासना की जाती है वह ईश्वर नहीं है। सीधा सीधा कहा गया है केनोपनिषद में कि जिस इस अलग अलग ईश्वर की उपासना की जाती है वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो एक है और वो निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है, वेद में भी मूर्ति पूजा नहीं है। वेद कहते हैं नयन मूर्धम न तिर्यंचम न मध्ये परिजग्रभत न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महाद्यशः। उसे ऊपर से इधर उधर से या बीच से कहीं से भी छुआ नहीं जा सकता, क्योंकि वो इतना अनंत है, इतना अनंत है, निराकार है कि वो स्पर्श करने मनुष्य की हैसियत ही नहीं कि उसको स्पर्श कर सके, किसी की हैसियत नहीं कि उसको कोई स्पर्श कर सके। और ऐसे जिस परमेश्वर का नाम महाद्यशा है, ऐसे उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, अर्थात न उसकी कोई मूर्ति है, न तस्वीर है, न उसका कोई अवतार या उपमा ही है। ये वेद कहते हैं। आजकल एक बात बहुत कही जा रही सामयिक है जिसको हम बताएंगे, जिहाद। जब देखो जिसको देखो जिहाद जिहाद जिहाद, तो गड़िया तो दिन भर माला जपता रहता है जिहाद की, लेकिन जिहाद है क्या? उसको हमारे हिंदू भाई जाने कि जिहाद है क्या। परमेश्वर ने मानवता का संदेश देने के लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। आपने जिस समय मक्का में सत्य का संदेश देना शुरू किया, उस समय मक्का में कुरैश सत्ता ताकत और धन के नशे में चूर थे, घमंड में चूर थे। और घमंड क्या करता है? घमंड बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देता है। और जब बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाता है तो अच्छाई बुराई सत्य और असत्य में भेद करने की क्षमता खत्म हो जाती है। मनुष्य नहीं समझ पाता कि क्या अच्छा क्या बुरा है, क्या सत्य है क्या असत्य है। तो उस समय जो कुरैश थे वो घमंड में थे, तो वो अच्छाई बुराई सत्य सत्य समझ नहीं पाए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्य के संदेश को समझ नहीं पाए, और वो उनके आपके विरोधी हो गए, तरह तरह से सताना शुरू किया, आपके ऊपर पत्थर फेंके, कूड़ा फेंका, आपकी जान लेने की कोशिश की, तरह तरह से अपमानित किया आपके साथी आपके सहयोगियों यानी मुसलमानों को। उस समय अरब की तपती रेत पर भूखा प्यासा नंगा करके लिटाया, और ये सारा का सारा अत्याचार साल दो साल नहीं कई साल तक चलता रहा, और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार सब्र करते रहे। लेकिन सब्र की भी सीमा होती है, जब सीमा टूट जाती है तब युद्ध एक आवश्यकता बन जाती है, और उस युद्ध को युद्ध नहीं कहा जाता, उस युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है। वही है जिहाद, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में परमेश्वर का संदेश है, अथ चेत त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्स्यसि। अय अर्जुन, यदि तू इस धर्मयुद्ध को नहीं करेगा तो अपने यश अपने नाम और अपने धर्म दोनों को खोकर तू पाप को प्राप्त होगा। हतो वा प्राप्से स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। या तो तू इस युद्ध में इस धर्म युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को जाएगा,
अथवा जीत कर तू इस पृथ्वी का राज भोगेगा, इसलिए ऐ अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। ठीक इसी तरीके से जब तमाम अत्याचार बढ़ते रहे तो अल्लाह की ओर से संदेश आया, कुरान मजीद के सूरा 22 आयत 39 में, कि जिन मुसलमानों से खामखां लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वे भी लड़ें क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन साथ ही देखिए विशेषता आप देख लीजिए, इसमें एक बहुत बड़ी विशेषता है। साथ ही सूरा 2 आयत 190 में हिदायत भी आई कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी खुदा की राह में उनसे लड़ो, मगर ज्यादती न करना कि खुदा ज्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता। बचाव करो लेकिन बचाव में भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। यह है कुरान मजीद, यह है इस्लाम, और ऐसे यह है, यही है जिहाद। अन्याय आतंक, अन्याय अत्याचार और आतंकवाद के विरोध के लिए किया गया प्रयास ही जिहाद है। फिर से मैं बता दूं, अन्याय अत्याचार और आतंकवाद के विरोध में किया जाने वाला प्रयास जद्दोजहद ही जिहाद है। और ऐसे पवित्र शब्द को, ऐसे धर्मयुद्ध को आप आतंकवाद से जोड़ते हैं, मीडिया को शर्मानी चाहिए और जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं उनको भी शर्मानी चाहिए। इसी तरीके से मैंने शुरू में ही कहा था कि मैंने इतिहास पढ़ा था तो मैं भ्रमित हुआ। इतिहास में क्या पढ़ा था? इस्लाम तलवार के जोर पर फैला। अगर ऐसी कोई घटना हुई है इतिहास में तो उसके लिए इस्लाम जिम्मेदार नहीं है। जो जिम्मेदार हो इस्लाम जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पष्ट हिदायत है कुरान मजीद में, सूरा 10 आयत 99 में है कि अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो जितने लोग जमीन पर हैं सबके सब मुसलमान बन जाते, सबके सब ईमान ले आते, तो तुम क्या जबरदस्ती करना चाहते हो कि लोग मुसलमान बन जाएं? अपने हिंदू भाइयों को मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी विषय में अगर कुरान मजीद में कोई आदेश आ जाता है तो उस विषय में वह आदेश अंतिम है, उसमें किंतु परंतु इफ एंड बट नहीं हो सकता। वो आदेश अंतिम है, बाध्यकारी है मुसलमान के लिए। तो धर्म परिवर्तन के मामले में यह आदेश कुरान मजीद का बाध्यकारी है, फिर कोई सच्चा मुसलमान यह कैसे कर सकता है? पैगंबर मोहम्मद इसी बीच दो वाक्य मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि लोग भ्रमित हैं इस्लाम को लेकर के, बहुत बदनाम किया जाता है। अब बदनाम क्यों किया जाता है? कि इस्लाम का प्रवाह रोक दिया जाए। अगर इस्लाम की अच्छाइयों को नहीं बुराइयों को सामने लाया जाएगा तो इस्लाम का प्रवाह रुक जाएगा। जो इस्लाम आगे बढ़ रहा है उसको रोक दो, ये प्रयास पहला। दूसरा प्रयास, इस्लाम का भय दिखाओ, और भय दिखाने जो इस्लाम का भय दिखाए तो दूसरे लोग गैर मुस्लिम जाने कि ये मेरा हमदर्द है, देखो मुझे ये सही राह दिखा रहा है, और वो उसके साथ आ जाए और उसको कैश करने के बाद वोट की ताकत में उसको बदला जाए। तो ये दो प्रयास की वजह से इस तरीके का प्रचार होता है। तो इसमें बहुत भ्रम है, हम दो चीजों से बताना चाहते हैं। पहली चीज, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी। बद्र का वाकया हम बता रहे हैं, मक्का में, सऊदी अरब में बद्र एक जगह है। बद्र की जब लड़ाई हुई सत्य और असत्य के समर्थकों के बीच, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 313 लोग थे और असत्य के समर्थक 1000 से अधिक लोग, 1000 के आसपास थे। उस युद्ध में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत हुई। 73 कैदी कैद करके लाए गए मदीना, बद्र से मदीना लाए गए, मस्जिद नबवी के खंभों में बांध दिए गए। जब बड़ी रात हो गई तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी बेचैनी से मस्जिद में टहल रहे थे। एक सहाबा
सहाबा किसको कहते हैं? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहयोगी को सहाबा कहते हैं। तो एक सहाबा ने आपसे पूछा कि हुजूर आपने आराम नहीं फरमाया, इतनी रात हो गई। आपने कहा ये कैदी, इन कैदियों का कष्ट मुझे देखा नहीं जा रहा, ये कैदी नहीं सो रहे तो मैं कैसे सो सकता हूं। देखिए इंसानियत का नमूना, ये कैदी नहीं सो सकते तो मैं कैसे सो सकता हूं। आपका इशारा पाते ही, आपका हुक्म पाते ही कैदियों के बंधन ढीले कर दिए गए, और जब वो आराम उनको मिला, वो जब सो गए तब आप सोए, कैदियों के साथ भी आपने ऐसा सलूक किया। ये है इस्लाम। इसी तरीके से एक सज्जन ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हुजूर कौन सा इस्लाम बेहतर है? मुझसे कहा जाता कि स्वामी जी धर्म कौन सा अच्छा है, तो मैं बड़ा जो है दर्शन बताता, बड़ी लंबी लंबी बात करता और एक घंटा उसको समझाता, अपनी विद्वता दिखाता। लेकिन अल्लाह के रसूल तो अल्लाह के रसूल थे, उन्होंने सबसे छोटा, सबसे श्रेष्ठ और सबसे व्यवहारिक जवाब दिया। क्या जवाब दिया? भूखे को खाना खिलाना, जान पहचान और गैर जान पहचान दोनों को सलाम करना, यही सबसे अच्छा इस्लाम है। बेशक इसमें कोई संदेह नहीं है कि भूखे को खाना खिलाने से बड़ी इंसानियत कोई नहीं है, इससे बड़ी इंसानियत ही कोई नहीं है। इसीलिए मुसलमान के लिए, अगर मुसलमान की जानकारी, उसका पड़ोसी वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो भूखा सो जाता है, मुसलमान को जानकारी है कि भूखा सो गया है, तो उसका खाना हराम हो गया। यह इस्लाम, यह इस्लाम, इस्लाम का दूसरा नाम इंसानियत है। इसी वजह से, क्योंकि यह व्यावहारिक धर्म है, यह वे ऑफ लाइफ है। संसार में केवल एक ही धर्म है इस्लाम, जो व्यवहारिक है, और कोई व्यवहारिक धर्म इतना है ही नहीं है। धर्म सब अच्छे हैं, लेकिन अच्छों में अच्छा है। तो दूसरी चीज बड़े ध्यान देने योग्य है कि आपने कहा जान पहचान और गैर जान पहचान दोनों को सलाम करना। जान पहचान का आदमी है तो उसका आप नाम भी जानते हैं, उसका धर्म भी जानते हैं, लेकिन गैर जान पहचान का आप ना नाम जानते हैं ना धर्म जानते हैं, आपने कहा उसको भी सलाम करना। अब आप समझ लीजिए इससे बड़ा भाईचारा क्या हो सकता है, इससे बड़ा भाईचारा कोई नहीं है। और दूसरी चीज यह है कि यह नम्रता लाता है, सलाम करने से नम्रता आती है, आदमी झुकता है, और जो सलाम नहीं करता वो घमंड में रहता है, तना रहता है। इसीलिए कुरान मजीद में जब कुरैश तने हुए थे, अकड़े हुए थे, घमंड में थे, तभी कुरान मजीद में आयत उतरी कि जमीन पर अकड़कर और तनकर मत चल, कि तू जमीन को फाड़ तो नहीं डालेगा या लंबा होकर पहाड़ों की चोटी तक नहीं पहुंच जाएगा। ये आयत उस समय उतरी थी। तो यह आयत केवल कुरैश के लिए नहीं उतरी थी, पर उपदेश कुशल बहुतेरे नहीं है इस्लाम में, इस्लाम में जो कहा गया है उनके लिए, वो अपने लिए भी है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केवल के ऊपर जो आयत आई ईश्वर की तरफ से, वो केवल कुरैश के लिए नहीं आई, सारे मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा कि गैर जान पहचान और गैर जान पहचान दोनों को सलाम करो, दोनों के सामने झुको। इस्लाम झुकना सिखाता है, अकड़ना नहीं सिखाता। इसी तरीके से कितनी जबरदस्त, कितना जबरदस्त कथन है, कितनी जबरदस्त हदीस है। उन लोगों को मुंह पे तमाचा है जो इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं, जो इस्लाम को बदनाम करते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने साथी की मदद करो, वो जालिम हो या मजलूम। आपसे अर्ज किया गया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मेरा भाई अगर मजलूम है, कमजोर है, तो उसकी मदद तो कर सकते हैं, लेकिन जालिम होने के वक्त कैसे मदद करें? आपका हुक्म आ गया तो मदद करना है, हुक्म टाला नहीं जा सकता, लेकिन बताइए कैसे करें अगर वो जालिम है। कितना जबरदस्त आपने जवाब दिया, आपने कहा उसके हाथ पकड़ लो, यानी जुल्म न करने दो, उसको दोजख की आग से बचा लो, उसको पाप से बचा लो, ये उसकी मदद करो। जालिम के हाथ पकड़ना आसान काम नहीं है,
सैकड़ों लोग होते हैं और एक जालिम जब जुल्म करता है तो लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती, क्यों? अपने लिए भी खतरा रहता है। जालिम क्रूर होता है, ताकतवर होता है, लेकिन इस्लाम में यह है कि जालिम के हाथ पकड़ो, यह है इस्लाम। तो हम अंत में अपने मुसलमान भाइयों से यह कहना चाहते हैं कि जो हमने प्रमाण सुनाए, इन प्रमाणों को हमने इसलिए सुनाया कि इस्लाम, अगर इस्लाम के नजदीक सबसे नजदीक, सबसे नजदीक अगर कोई धर्म है तो वह है सनातन वैदिक धर्म। वहीं अपने हम हिंदू भाइयों से कहना चाहते हैं कि वेद और कुरान दोनों की बुनियाद एकेश्वरवाद या तौहीद है, दोनों की बुनियाद। और सनातन वैदिक धर्म और इस्लाम के जो मूल सिद्धांत हैं, जो बुनियाद है, उसमें आश्चर्यजनक रूप से जबरदस्त समानता है। लोग जानते नहीं हैं, इसलिए लोग सोचते होंगे कि बहुत जबरदस्त समानता, इतनी समानता है ही नहीं, हैरत में पड़ने वाली समानता है। क्यों? क्योंकि सत्य और सत्य में टकराव नहीं होता। जब व्यक्ति सत्य बोलता है तो वो एक बार बोले चाहे 100 बार बोले वही बोलेगा, और जब झूठ बोलेगा तो अभी बोलेगा, दूसरी बार बोलवाइए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाएगा, क्योंकि झूठ बोल रहा है। तो जब सत्य है, ईश्वरीय संदेश है, तो एक होगा। यही से पता चलता है कि सत्यता है, इसलिए दोनों में समानता है, दोनों एक दूसरे को तस्दीक कर रहे हैं सच्चाई की बुनियाद पर। तो इस समानता के आधार पर हम कह सकते हैं हिंदू भाइयों से कि जैसे वेद उपनिषद गीता हमारा है, वैसे ही कुरान मजीद भी हमारा है। जैसे सत्य सनातन वैदिक धर्म हमारा है, वैसे ही इस्लाम भी हमारा है। इसी के साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमको गुमराही से बचाए, सच्ची राह दिखाए, और जिस कार्य को हम पूरे देश में आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस सच्चाई को पूरे देश में आगे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी मदद करें। ओम शांति है, शांति है, शांति है।